आज के वीडियो में हम एट्थ टाइप करने जा रहे हैं, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। द एवरेज एज ऑफ फाइव गर्ल इज 30 ईयर्स एंड डिक्रीजेस बाय 2 ईयर्स व्हेन अ न्यू गर्ल ज्वाइंस द ग्रुप। व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू गर्ल? ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि एवरेज ऑफ 5 लड़कियों की एवरेज दी हुई है, वो 30 ईयर्स है और वो 2 ईयर्स कम हो जाती है एवरेज जब एक न्यू गर्ल वो ग्रुप ज्वाइन करती है। तो जो हमने ये क्वेश्चन कल किया था ये उससे सिमिलर ही है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें इंक्रीज हो रही थी एवरेज, इसमें क्या, इसमें एवरेज डिक्रीज हो रही है। तो जो शॉर्टकट फॉर्मूला था वो रहेगा, वही शॉर्टकट फॉर्मूला हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बस प्लस की जगह पे हम माइनस कर देंगे। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करना है। इधर हम लिखेंगे, और इस क्वेश्चन को हम ये भी कह सकते हैं, न्यू मेंबर डिक्रीजेस एवरेज, क्योंकि एक न्यू मेंबर आ गया और एवरेज डिक्रीज हो गया। तो इस टाइप को हम ये भी कह सकते हैं, न्यू मेंबर डिक्रीजेस द एवरेज। तो चलिए इसको देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। एट्रीब्यूट ऑफ द न्यू कमर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल एवरेज। हमने कल जो सेवंथ टाइप थी उसमें प्लस किया था क्योंकि वो इंक्रीज हो रही थी, इसमें डिक्रीज हो रही है तो हम इसमें माइनस करेंगे। ओरिजिनल एवरेज माइनस नंबर ऑफ पर्संस इंक्लूडिंग न्यू कमर मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एवरेज। बस अब हमको इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एट्रीब्यूट ऑफ न्यू कमर क्या होगा, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगा हूं, एट्रीब्यूट ऑफ न्यू कमर ये हो जाएगा ओरिजिनल एवरेज हमारे पास कितनी दी हुई है, 30 इयर्स। तो कल जो हमने किया था उसमें किया था इंक्रीज इन एवरेज, पर यहां पे तो डिक्रीज हो रही है तो हम यहां पर इसको लिखेंगे डिक्रीज। इधर डिक्रीज कर लीजिएगा क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद था तो इसलिए मैंने गलती से इंक्रीज लिख दिया, इधर आप डिक्रीज कर लीजिए। अब कंफ्यूज मत होना, वैसे आंसर सेम ही आएगा लगभग। ओरिजिनल एवरेज 30 माइनस नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग न्यू कमर, पहले नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 5, अब एक न्यू गर्ल और ऐड हो गई तो कितने हो गए 6 मल्टीप्लाई बाय डिक्रीज इन एवरेज 2। तो ये आ जाएगा 30 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 18। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा एवरेज। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू गर्ल, तो ये न्यू गर्ल की एज होगी। एट्रीब्यूट का यही मतलब होता है, एट्रीब्यूट का मतलब है कुछ भी हो सकता है, यहां पर एज हो सका, यहां पर एज भी हो सकता है, यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, यहां कुछ कोई भी क्वालिटी हो सकती है। एट्रीब्यूट का मतलब है क्वालिटी। तो हम इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो ये रही इसकी नाइन्थ टाइप। देर आर 10 गर्ल्स इन अ होस्टल, द एवरेज एज ऑफ गर्ल इज 10 ईयर्स, बट वन गर्ल लेफ्ट द होस्टल एंड द एवरेज इंक्रीजेस बाय 1 ईयर, फाइंड हाउ मेनी ईयर्स शी इज ओल्ड। तो ये क्वेश्चन के मुताबिक हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हॉस्टल में 10 गर्ल्स हैं और उनकी एवरेज, द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 10 ईयर्स, एवरेज एज कितनी है 10 ईयर्स, और एक गर्ल ने हॉस्टल छोड़ दिया तो एवरेज इंक्रीज हो गई बाय 1 ईयर, एक साल बढ़ गई एवरेज। फाइंड हाउ मेनी ईयर्स शी वॉज ओल्ड, जो जिस लड़की ने हॉस्टल छोड़ा हमको उसकी एज निकालनी होगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऊपर वाली टाइप से मिलता जुलता ही है। तो इसका भी एक शॉर्टकट ही है। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बारी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो तकरीबन फॉर्मूला सबका सेम ही रहेगा। एट्रीब्यूट ऑफ द लिविंग मेंबर और यहां पर जैसे क्वेश्चन में था कि वन गर्ल लेफ्ट द होस्टल, मतलब एक मेंबर चला गया, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, इस टाइप को लीविंग मेंबर इंक्रीजेस एवरेज, ये वाली टाइप को हम ये भी कह सकते हैं इन लीविंग मेंबर इंक्रीजेस द एवरेज। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ द लीविंग मेंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल एवरेज, मैं इधर लिख देता हूं ओरिजिनल एवरेज माइनस नंबर ऑफ ऑल पर्संस
excluding the living member multiply by increase in average. In average अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो हम इंक्लूड कर रहे थे क्योंकि वो मेंबर आया था. अब ये मेंबर एक चला गया तो हम एक्सक्लूड कर देंगे वो वाला मेंबर. तो एट्रीब्यूट ऑफ लीविंग मेंबर ये कितना, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ताकि आपको समझ आ जाए. तो एट्रीब्यूट ऑफ लीविंग मेंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल एवरेज हमारे पास कितनी दी हुई है 10 इयर्स और नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं 10 और मेंबर इंक्रीज इन एवरेज कितनी हुई है 1 ईयर 10 माइनस 1 तो यह रहेगा 10 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस ये वाला एक फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट मेथड है, बस आपको ये अच्छे से याद रख लेना और क्वेश्चन की टाइप्स, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और फॉर्मूला लगभग सेम ही है. आपको पता होना चाहिए कि कब एक्सक्लूडिंग लगना है, कब इंक्लूडिंग लगना है, कब प्लस लगना है और कब माइनस लगना है. बस आपको ये पता होना चाहिए तब आपकी ये टाइप्स इजीली हो जाएंगी. क्वेश्चन में यही वाली टाइप्स ही तकरीबन आती हैं क्योंकि जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे वो बहुत ईजी थे, इतने ईजी क्वेश्चंस नहीं आते. तो चलिए हम 10th टाइप की तरफ पढ़ते हैं. तो ये हमारे पास 10th टाइप आ गई. द एवरेज वेट ऑफ 25 वर्कर्स इज 50 kg. इट इज डिक्रीज्ड बाय 1 kg व्हेन वन ऑफ द वर्कर वेंट होम. फाइंड द वेट ऑफ द लेफ्ट वर्कर. ये भी टाइप वही टाइप है जो हमने पहले की है, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो हम देख लेते हैं क्या चेंज आएगा. तो इधर सबसे पहले हम देखते हैं जो वर्कर है, एक वर्कर काम छोड़ गया और एवरेज क्या हुआ डिक्रीज. तो हम ये भी कह सकते हैं इस टाइप को लीविंग द पर्सन डिक्रीजेस द एवरेज. इस टाइप को हम ये भी कह सकते हैं कि लीविंग द वर्कर डिक्रीजेस द एवरेज. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एट्रीब्यूट ऑफ द लीविंग मेंबर. इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ओरिजिनल एवरेज प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एक्सक्लूडिंग द जिसने काम छोड़ दिया था लीविंग मेंबर मल्टीप्लाइड बाय डिक्रीज इन एवरेज. तो बस अब हमको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है तो आंसर आ जाएगा. तो इधर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, एट्रीब्यूट ऑफ लीविंग मेंबर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल एवरेज. हमारे पास ओरिजिनल एवरेज कितनी थी 50 kg, 50 प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स 25 मल्टीप्लाइड बाय डिक्रीज इन एवरेज. एवरेज कितनी डिक्रीज हुई 1 kg. तो बस 50 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 75. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. बस ये टाइप थी. अब आपको बस यही याद रखना होगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस आपको ये याद रखना होगा कि प्लस कब आना है, माइनस कब आना है, इंक्लूडिंग कब लगना है और एक्सक्लूडिंग कब लगना है. तो हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं. तो ये रही इसकी 11th टाइप. द एवरेज वेट ऑफ 5 वुमेन इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg व्हेन वन ऑफ देम हु वेट्स 70 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वुमेन. व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू वुमेन. ये कह रहे हैं कि एवरेज वेट 5 वुमेन का जो एवरेज वेट था वो इंक्रीज हो गया बाय 2 kg. 2 kg वेट इंक्रीज हो गया एवरेज वेट जो व्हेन वन वन ऑफ देम हु वेट्स 70 kg. एक 70 kg की वुमेन को जब रिप्लेस किया कोई अनदर वुमेन को जिसका वेट हमें मालूम नहीं है, वो हमने निकालना है. व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू वुमेन. तो जो रिप्लेस्ड अनदर वुमेन जो आई थी उसका हमको वेट निकालना होगा. तो इसका फॉर्मूला भी तकरीबन सेम ही होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट. ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक है. एट्रीब्यूट ऑफ न्यू कमर इज इक्वल्स टू एट्रीब्यूट
ऑफ द जो जो पहले से ओरिजिनल था, जो पहले से उसके पास था, जिसको हमने रिप्लेस किया जिस वुमेन को, तो लिख देंगे एट्रीब्यूट ऑफ द न्यू कमर इज इक्वल्स टू एट्रीब्यूट ऑफ द रिमूव्ड पर्सन प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स, जितने पर्सन्स है मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या हुआ है, एवरेज इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन एवरेज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एट्रीब्यूट ऑफ द रिमूव पर्सन, जिसको रिमूव किया उसका वेट कितना था, 70 kg, 70 प्लस नंबर ऑफ पर्सन, टोटल कितने पर्सन है, 5 × इंक्रीज इन एवरेज 2, तो आएगा 70 प्लस 10 आ जाएगा 80 kg, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज हो जाता तो हम माइनस कर देते, और बस कुछ माइनर चेंजेस जो हमने पहले क्वेश्चंस में किए हैं, अगर वो वाली चेंजेस अगर हम इस क्वेश्चन में कर दें तो आप ये फॉर्मूले को आप बना सकते हो, ये फॉर्मूला प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स इंटू इंक्रीज इन एवरेज, ये सारा तो चलता जाएगा। बस इसका एक और टाइप यही बनती है कि इंक्रीज की जगह पे अगर डिक्रीज हो जाए तो आप यहां पर माइनस लगा देना, प्लस की जगह पे माइनस। तो ये टाइप इतनी ही थी, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो ये रही 12th टाइप। देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल हॉस्टल। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस बाय 5, द एक्सपेंस ऑफ द हॉस्टल इंक्रीजेस बाय ₹35 per day, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीजेस बाय ₹1, फाइंड द टोटल एक्सपेंस। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम पहले एक सपोज करेंगे, लेट दी ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पर हेड बी ₹X, हमने एक्स मान लिया। तो एक बारी क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल हॉस्टल। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस बाय 5, द एक्सपेंस ऑफ द हॉस्टल इंक्रीजेस बाय ₹35 per day, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीजेस बाय ₹1, फाइंड द टोटल एक्सपेंस। तो हमने सबसे पहले ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पर हेड को हमने एक्स मान लिया, तो देयर फोर टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 20 × x, 20 × x। और आगे हमको दिया है व्हेन 5 स्टूडेंट्स ज्वाइंट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस बाय 5। तो अब हम क्या लिखेंगे, व्हेन 5 स्टूडेंट्स ज्वाइंट द टोटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 35, ये हमको लिखा हुआ है 35 per day को वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम इससे क्या पता चलता है, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 25 स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, 20x प्लस 35, क्योंकि 35 तो 25 स्टूडेंट्स का था, 5 स्टूडेंट्स का है, और जो 20 स्टूडेंट है उनका एक्सपेंडिचर कितना था, 20x, 20x ये आ गया। तो एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर 25 स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, x-1, इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, x-1 एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 25 स्टूडेंट्स, क्योंकि एक कम हो गया, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज बाय ₹1, एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हो गया, डिक्रीज हो गया x-1, x टोटल था तो 25 स्टूडेंट्स का कितना हो गया, एक माइनस हो गया। तो आगे चलते हैं, एवरेज
एक्सपेंडिचर फॉर 25 स्टूडेंट्स. इसका अब हम एवरेज निकाल दे. एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो बस अब हम यही लिखेंगे, सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 25 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये आ जाएगा. तो बस अब हमने वैल्यूज पुट करनी है. एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 25 स्टूडेंट्स कितना दिया हमको? x माइनस वन इज इक्वल्स टू सम ऑफ 25 स्टूडेंट्स कितना दिया हमको? हमने ये निकालना है टोटल, 20x प्लस 35. और टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं? 25. तो इसको सॉल्व करते हैं. 25x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 20x, कैपिटल है यहाँ पे, 20x प्लस 35. तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 60, और यहां से x आ जाएगा 12. तो हमको निकालना क्या था? फाइंड द टोटल एक्सपेंस. हमको टोटल एक्सपेंस निकालना होगा. टोटल एक्सपेंस, तो यहां से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द होस्टल, ये आ जाएगा हमारा, कितने स्टूडेंट्स हैं? 25 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, ये कितना आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 11. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹275. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा. ये मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया. अब एक बार इसको अच्छे से देखिए, एक बार ये अच्छे से करके देखिए, इसकी टाइप क्वेश्चन समझिए, क्योंकि जितने देर तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे उतनी देर तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे. तो एक बारी क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है. तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ. तो ये आ गई हमारे पास 13th टाइप. अ स्टूडेंट्स मार्क वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 75 इंस्टेड ऑफ 47. ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास गॉट इंक्रीज्ड बाय 2. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने होंगे, कि एक स्टूडेंट का मार्क्स जो थे वो रॉन्गली एंटर्ड हो गए 75 इंस्टेड ऑफ 47. उसकी वजह से एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास जो थी वो इंक्रीज कर गई बाय 2. तो हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास निकालने होंगे. इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक मेथड है, वो है एरर इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पीपल. ये इसका शॉर्टकट मेथड है. अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा और आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इतना टाइम. तो बस इस फॉर्मूला में हमको वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा. तो एरर क्या होगा? एरर कितनी आई है? 75 माइनस 47. बेसिकली एरर जो होती है वो डिफरेंस होता है. ये इन दोनों का डिफरेंस को हम एरर कहेंगे. तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 28 आंसर आ जाएगा. 75 माइनस 47, 28. बस अब हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे. 28 इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन एवरेज कितनी हुई है? 2 इंटू नंबर ऑफ पीपल. नंबर ऑफ पीपल तो हमको निकालना है, तो इसको हम लिख लेते हैं x. तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 बाय 2, ये आ जाएगा 14. और 14 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे पूरी क्लास में. और ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम्स में आते हैं. तो बस ये अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ. ये आ गई हमारे पास 14th टाइप. एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 50 kg. इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी 45 kg एंड दैट ऑफ बी एंड सी बी 40 kg, देन द वेट ऑफ बी इज. ये क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी तीन चीजों का एवरेज वेट है 50 kg, और
ए और बी का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है 45 kg, एंड दैट ऑफ बी एंड सी, बी और सी का एवरेज वेट कितना दिया हो गया 40 kg। हमको बी का वेट निकालना होगा। तो सबसे पहले तो हम सपोजिशन करेंगे, लेट द वेट्स बी, वेट्स ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, बी इनको स्मॉल लेटर्स में इसका इनका वेट ले लेते हैं, ए बी सी, ये हो गया ए बी सी। तो हमको पता है एवरेज कितना होती है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमको एवरेज तो दी हुई है इन तीनों की, इन तीनों के वेट्स की 50 kg, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 50, और हमको यह भी पता है कि टोटल नंबर कितने हैं 3, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको यह भी पता है, हम लिख देंगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 150। योगी हमारी इक्वेशन 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, हमको एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी हमको ये भी दिया हुआ है 45 kg, तो इस पे भी एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, 45 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ओवर 2, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2, क्योंकि ए प्लस बी का वेट कितना था, ए और बी हमने लेट किया हुआ है, तो टोटल क्वांटिटीज कितनी है 2, एवरेज कितना है 45। हमको ये भी दिया हुआ है एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी, वो कितनी दी हुई है 40 kg, यहां पर हमको 40 kg दी हुई है। तो बस यहां पर भी एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे, 40 इज इक्वल्स टू बी प्लस सी ओवर 2, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 80। अब हम 2 और 3 को इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग 2 एंड 3, तो ये आ जाएगा ए, यहां पर आएगा बी, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गई, बी प्लस सी आएगा यहां पे, क्योंकि यहां पे बी प्लस सी है ना, यहां पे आएगा बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 170। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 4, और हमारे पास इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 150। तो बस अब हम 4 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां से कितनी आ जाएगी वैल्यू b की, ac और ac यहां से कट जाएंगे, वैल्यू कितनी बचेगी b की, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170 माइनस 150, तो इसकी आ जाएगी 20 kg, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो ये रही इसकी नेक्स्ट टाइप, 3 years अगो द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 4 मेंबर वॉज 15 years, अ बेबी हैज बॉर्न, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टूडे, द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज, हमको प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी निकालनी है। इसका कहने का मतलब है कि 3 साल पहले एक द फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स की फैमिली थी, उनकी एवरेज वॉज 15 years, 15 years की उनकी एवरेज हमने निकाल ली 3 साल पहले, और आज 3 साल बाद उनकी फैमिली की जो एवरेज है वो सेम है, लेकिन एक बेबी और ऐड हो गया, बेबी हैज बॉर्न, तो हमको उस न्यू बॉर्न बेबी की हमको एज निकालनी होगी, बॉर्न बेबी की, न्यू बॉर्न तो नहीं, हमको जो नया बॉर्न बेबी हुआ था उसकी एज निकालनी होगी। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले से, हमारे बेसिक फॉर्मूले से, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम यहां पे सम ऑफ एजेस निकाल लेंगे, 3 years एगो, सम ऑफ एजेस 3 years अगो,
ये कितनी होगी एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्संस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ पर्संस। तो एवरेज कितनी है 15 इंटू पर्संस कितने हैं 4, तो ये आ गई 60 ईयर्स, ये आ गया सम 3 ईयर्स अगो। तो अब हम निकालेंगे सम ऑफ एजेस नाउ, 3 साल बाद सम ऑफ एजेस जो अब चल रही है, एक जो मेंबर और नया आ चुका है हमने उसका निकालना है। बट जो हमको एवरेज दी हुई है क्वेश्चन में वो कितनी दी हुई है, सेम जो एवरेज है वो कितनी है सेम। तो हम सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ एजेस ऑफ 4 मेंबर। नाउ ऑफ 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स की अब हम निकालेंगे अभी। तो एवरेज कितनी दी हुई थी, एवरेज तो सेम ही है 15 इंटू फिफ्टीन इंटू फोर, ये जो पहली होगी, प्लस 3 इंटू 4, 3 साल बाद। तो ये कितना आ जाएगा 60 प्लस 12, ये आ जाएगा 72, ये आ गया सम ऑफ एजेस। अब हमको क्या निकालना होगा, अब एक नया मेंबर और ऐड हो चुका है तो टोटल कितने हो गए मेंबर्स, 5 मेंबर्स। अब हम उसकी एवरेज निकालेंगे, उसका सम निकालेंगे पहले। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स की अब हम सम निकालने जा रहे हैं। ये कितना आएगा, टोटल एवरेज एज कितनी थी 15 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 15 5 75 ईयर्स, ये हो जाएगा 75 ईयर्स। तो सम ऑफ एजेस ऑफ 4 मेंबर, जब 4 मेंबर थे तब कितनी एजेस थी 72, अब 5 मेंबर्स हो गए हैं तो अब कितनी एजेस आ गई 75। तो यहां से अब हम सीधा सीधा न्यू बॉर्न बेबी की, जो न्यू बेबी की है उसकी एज निकाल सकते हैं। न्यू बेबी की एज कितनी होगी, वो होगी सम ऑफ एजेस ऑफ 4 मेंबर्स माइनस सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स, ये आ जाएगा नहीं 5 माइनस 4, क्योंकि ये 5 बड़ा है, 5 माइनस 4, नहीं तो एज नेगेटिव में चली जाएगी, 75 माइनस 72, तो ये आ जाएगा 3 ईयर्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो एज ऑफ जो बॉर्न बेबी हुआ था उसकी एज कितनी है 3 ईयर्स, जो एक नया मेंबर ऐड हुआ था उसकी एज आ गई 3 ईयर्स। तो बस इस चैप्टर में भी बस इतना ही था, मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो मैंने सब आपको करवा दिए हैं। और अगर मुझे फिर भी लगा कि कोई इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो रह गया है, वो भी मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही है, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।